फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोर्टेबल कूलर यानी पर्सनल कूलर की मोटर को हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इसकी मोटर को इंस्टॉल करना थोड़ा टिपिकल होता है। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक पोर्टेबल कूलर की मोटर। मोटर को पहले हम फटाफट से फिट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम बॉडी में किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमने मोटर को फिट कर लिया है और उसके बाद इसका जो ये वाला पार्ट होता है, इसको लगाने से पहले हम पीछे यहाँ पर बासर लगा लेंगे। बासर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम बासर नहीं लगाएंगे तो ये बॉडी में टकराने लग जाएगा। तो अगर यहाँ पर टकराता है तो आप बासर की संख्या बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर एक एक बासर लगा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मोटर को हमें किस साइड रखना है। ये जो लीडें हैं हमें नीचे रखने की कोशिश करेंगे ताकि अगर पानी की बूंदें वगैरह मोटर पर जाएँ तो मोटर की लीडों के थ्रू मोटर में ना जाएँ। तो इस तरह से हम इस पीवीसी होजिंग को लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम नट लगा करके टाइट कर देंगे। इसके साथ में हमने एक अर्थिंग वाला वायर भी लगाया है। तो ये हमने फिट कर लिया है। उसके बाद जो मोटर हमारी फिट होने वाली है वो इस जगह पर होगी, यहाँ पर स्क्रू टाइट होंगे। लेकिन मोटर फिट करने से पहले हम मोटर के ऊपर थोड़ा टेप लगा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ब्लोअर जो है पानी खींच लेता है तो मोटर में पानी ना जाए। आपने कंपनी की मोटर के अंदर भी देखा होगा कि यहाँ पर एक पैकिंग लगी होती है। तो यहाँ पर हमने टेप लगा लिया। उसके बाद इसकी शाफ्ट में हमें एक वाशर लगा लेंगे ताकि यहाँ से भी कोई पानी वगैरह ना जाए। उसके बाद मोटर को हम इंस्टॉल करेंगे कूलर के अंदर। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर वाली वायर को ऊपर को निकाल लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको अच्छे तरह से सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर लीडें हमने नीचे की साइड रखी हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि जो हमारी लीड है वो हमारी ऊपर तक पैनल तक चली जाए। उसके बाद यहाँ पर हम बासर लगा करके स्क्रू टाइट करेंगे। यहाँ पर चार स्क्रू लगने वाले हैं। कुछ इस तरह से हम इसके अंदर चारों स्क्रू लगाएंगे। फटाफट से हम चारों स्क्रू को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी मोटर फिट हो चुकी है। अब हम इसके बाद मोटर की जो मेन लीड है 4 कोर वाली, उसको भी हम ऊपर को निकाल लेंगे और इसको हम पीसीबी तक ले जाएंगे। तो ये हमारी लीड ठीक से पीसीबी तक आ रही है पैनल तक, और ये हमारी अर्थिंग वाली वायर को भी हम ऊपर निकाल लेंगे। तो अर्थिंग वाली वायर को हम पहले यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पीसीबी है इसको हम इस तरह से यहाँ पर लॉक है, इनको हम पीछे को ढकेलने के बाद पीसीबी को बाहर को निकाल लेंगे। तो ये है इसकी पीसीबी, इसके अंदर हम मोटर के कनेक्शन करेंगे। तो ये है हमारी मोटर की मेन लीड, इसके अंदर हम इसके कलर वाइज कनेक्शन कर लेंगे जिस तरह से हमने खोले थे। तो जो हमारी मोटर की कॉमन है नीले कलर की, उसको हम न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो पीले कलर का टेप लगा है ये हमारा न्यूट्रल है, और इसी के अंदर एक नीले कलर की वायर पीसीबी के अंदर गई है जो कि पीसीबी की कॉमन है। तो यहीं पर हम मोटर की कॉमन को ज्वाइन कर देंगे और इसके ऊपर अच्छे तरह से टेप लगा देंगे। और उसके बाद जो हमारी ब्लैक कलर की यानी कि हाई स्पीड वाली लीड है, और पीसीबी के अंदर ये हमारी ब्लैक कलर की हाई स्पीड हो गई, और नीले कलर की पीसीबी की कॉमन हो गई, और वाइट कलर की हमारी मीडियम स्पीड हो गई, रेड कलर की हमारी लो स्पीड हो गई। तो स्पीडो वाले जो वायर हैं वो एक्सचेंज हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमन जो हमारी वो सही जगह पर लगनी चाहिए। यहाँ पर हम मोटर की जो हाई स्पीड है ब्लैक कलर की, उसको हम ब्लैक वाली लीड में ज्वाइन कर देंगे, और जो वाइट कलर की लीड है उसको वाइट वाली में ज्वाइन कर देंगे। जो हमारी रेड कलर वाली है उसको हम रेड कलर की में ज्वाइन कर देंगे। और पीसीबी के अंदर भी लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वहाँ पर कॉम यानी कॉमन लिखा होगा, और हाई स्पीड वाली में एच लिखा होगा, और मीडियम वाली में एम लिखा होगा, और लो स्पीड वाली में एल लिखा होगा, उसी के हिसाब से ज्वाइन कर देंगे। अगर आपके न्यूट्रल समझ में नहीं आए तो जो हमारा वायर बाहर को जा रहा है उसका न्यूट्रल देख लेंगे कहाँ पर है, और जो पीसीबी से येलो कलर की लीड निकल करके जा रही है वो हमारे पंप की है। तो इस तरह से हम इसके कनेक्शन करेंगे पीसीबी के, अच्छे तरह से इसको टेपिंग वगैरह करके पीसीबी को हम दोबारा से इस तरह से लॉक में फंसा करके और आगे को स्लाइड कर देंगे। तो ये हमारा पीसीबी पैनल फिक्स हो जाएगा। तो पैनल हमारा फिक्स हो चुका है। एक बार हम इसको ऑन करके चला करके देख लेते हैं। इसके पैनल में काफ़ी सारे बटन्स मिलेंगे हमें। तो मोटर को हम ऑन करते हैं, पावर वाला बटन दबाएंगे, और यहाँ पर जो है मोटर हाई स्पीड में चल रही है। इसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड। मोटर हमारी चल रही है, आप पीछे से देख सकते हैं, मोटर हमारी सही चल रही है, यानी जिस तरफ को हमें राउंड चाहिए थे उसी तरफ को इसके राउंड है। अगर आप मोटर के राउंड मोटर फिट करने से पहले चेक करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारा सीन बिल्कुल सेट है। अब हम मोटर को बंद करते हैं
और इसका ब्लोअर लगाएंगे। तो ये है इसका ब्लोअर, इसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। अगर मोटर के राउंड चेंज हो जाए तो भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ब्लोअर के अंदर जो ये गुटका लगा हुआ है, इसका यहाँ पर एक लॉक है, इस लॉक को हम खोलेंगे और गुटके को हम बाहर को निकालेंगे और इस गुटके को, वाइट कलर का जो ये गुटका है, इसको हम दूसरी तरफ से डाल देंगे और उसके बाद इसमें लॉक लगा देंगे। तो ये हमारा ब्लोअर दूसरी तरफ से फिट हो जाएगा। अगर मोटर के राउंड चेंज हो जाएं तो हमें मोटर खोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर कूलर बहुत आवाज़ करे, जिस तरह से ऐसा लगे जैसे कि बुश शाफ्ट कटे हुए हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो ये इसका गुटका है, इसमें प्ले आ जाती है। अगर हल्की सी भी प्ले आ जाएगी तो ऐसा लगेगा कि मोटर के बुश शाफ्ट कटे हुए हैं, बहुत आवाज़ करेगा, कभी आवाज़ करेगा और कभी आवाज़ नहीं करेगा। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस लॉक को खोलेंगे और इस लॉक के पीछे एक बासर लगा देंगे। यहाँ पर इस वाले ब्लोअर के अंदर भी यही प्रॉब्लम थी, तो लॉक खोल करके हमने बासर के पीछे एक 18 नंबर के वायर का रिंग बना करके पीछे लगा दिया, बासर दोबारा से लगा करके लॉक लगा दिया, प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो गई। तो ब्लोअर को हम इस तरह से इसके अंदर फिट कर देंगे। अब हम इसको एक बार चला करके देख लेते हैं। तो मोटर को हमने ऑन कर दिया है, ये कुछ इस तरह से चलेगा। अभी जो है मोटर हवा बाहर को दे रही है, लेकिन जैसे ही हम इसका ऊपर वाला कवर लगा देंगे, मोटर हवा अपनी डायरेक्शन में देगी। हमारी जो मोटर है वो बढ़िया तरीके से काम कर रही है। इसको अब हम बंद करते हैं और इसका जो ऊपर का कवर है उसको हम लगा लेते हैं। तो ये रहा इसका कवर, कुछ इस तरह से इसको लगाएंगे। यहाँ पर खांचे होते हैं, खांचों में लगाने के बाद ऊपर से स्क्रू टाइट कर देंगे। इसके अंदर 6-7 स्क्रू लगेंगे, सभी स्क्रू लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ से एयर जो है वो बाहर को आ सकती है, लीकेज हो सकती है। तो इसको अच्छे तरह से कवर कर देंगे। तो फटाफट से हम सारे स्क्रू लगा लेते हैं। सारे स्क्रू हमने अच्छे तरह से टाइट कर दिए हैं। अब हम मोटर को एक बार दोबारा से चला करके चेक कर लेते हैं। मोटर हमारी कुछ इस तरह से चल रही है, यहाँ से ये हवा खींच रही है और हवा इस टनल के थ्रू आगे को जा रही है। तो यहाँ पर एकदम बेहतरीन हवा इसके अंदर से आ रही है। इस मोटर की हमने रिवाइंडिंग की है, रिवाइंडिंग की वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसका जो पीछे वाला कवर है उसको हम लगाएंगे। तो कवर को लगाने से पहले जो इसका पंप वाला पानी का पाइप है उसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। और यहाँ पर ये एक लॉक है तार का, इसको हम इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो कवर को हम इस तरह से लगाएंगे, साइडों में भी लॉक हैं और नीचे भी लॉक है, तो सभी तरफ से अच्छे तरह से इसको हम फिक्स कर देंगे। और इसके हम स्क्रू लगाएंगे, 3 स्क्रू एक साइड है, 3 स्क्रू एक साइड है। तो फटाफट से हम इसके स्क्रू लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।